अप्रेंटिस के प्रशिक्षुओं को SCCL के CISF के जवान और पुलिस बलों ने खदान के अंदर गेट में जाने से रोका। कोरबा के गेवरा अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षु पिछले 3 दिनों से लगातार अपनी नियमित भर्ती की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन सीजम गेट के सामने शांति रूप से कर रहे थे। आज 8 मार्च को कॉल ब्लॉक और कॉल डिस्पैच बंद करने के लिए सभी अप्रेंटिस प्रशिक्षु अपने धरनास्थल से पैदल मार्च कर श्रमिक चौक गेवरा के मुख्य गेट के सामने खदान प्रवेश द्वार पर जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश की, वहाँ उपस्थित SCCL के CISF के जवान एवं पुलिस के बलों ने अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं को अंदर जाने से रोक दिया, परंतु कुछ अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं ने पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद में सुरक्षा कर्मियों ने बाहर कर दिया। मौके पर तत्काल गेवरा के CGM मोहंती एवं PM वेंकटेश्वर ने आकर अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं को आश्वासन दिया कि आप लोगों की सभी बातों को हम CMD बिलासपुर एवं काल मंत्रालय के समक्ष आपकी बातों को रखा जाएगा एवं गंभीरता पूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं में काफी आक्रोश का सामना करना पड़ा एवं जल्द से जल्द मंत्रालय एवं CMD बिलासपुर के द्वारा सकारात्मक जवाब न देने की स्थिति में चक्का जाम एवं उग्र आंदोलन किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षुओं ने बताया कि हमारा यह धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमें रोजगार पूर्ण रूप से न मिल सके एवं SCCL प्रबंधन के द्वारा सही रूप से सकारात्मक जवाब जब तक नहीं दिया जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन में शामिल हुए अप्रेंटिसशिप संघ ने छात्रों एवं भारतीय ITI अप्रेंटिसशिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील निर्मलकर ने आगे क्या कुछ कहा, ये जानते हैं इन्हीं की जुबानी। बात से हम संतुष्ट नहीं है, कल भी संडे था, कल भी बात किया जा सकता, सुबह भी बात किया जा सकता था, ये हमको मजबूर कर रहे हैं। मैं अप्रेंटिसशिप छात्र हूँ, मैनेजमेंट ने एग्रीमेंट जरूर किया हम लोग के साथ में, लेकिन वह एग्रीमेंट स्वयं ही इस चीज को तोड़ा गया है। खुद स्वयं HRD में लड़कियों से रात को 11-12 बजे तक काम कराया गया है, ओवर टाइम कराया गया है, लड़कों से एरिया में नाइट शिफ्ट कराया गया है, और तो और बिना VTC ट्रेनिंग के, बिना सेफ्टी ट्रेनिंग के डायरेक्ट खदान में प्रवेश किया गया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा हीरालाल भाई भी है, जिसको यहाँ पहले खदान में प्रवेश किया जाता है, बाद में VTC ट्रेनिंग दिया जाता है बिना सेफ्टी के। तो ये सब मैनेजमेंट की गलती है और नियमानुसार इसको कोल माइन सेट के तहत इसको रोजगार देना पड़ेगा। थैंक यू। यस, आप लोग, हमारा मामला कि साहब 24 साल बाद SCCL ने अप्रेंटिस कराया है, अब मेरे अप्रेंटिस को वर्कमैन के तरह काम कराया है, जिसके कारण मेरे अप्रेंटिस हीरालाल भाई का डेथ हो गया। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये ट्रेनिंग का हवाला देते हैं, ट्रेनिंग हमसे नहीं कराया है, लड़के लोगों से, लड़कियां से। ये जो है वर्कमैन में उपयोग किया है और मेन पावर में उपयोग किया, तो हमारे अप्रेंटिस को पूरी नौकरी चाहिए। हम 9 तारीख को इनको ज्ञापन सौंपे हैं, मैनेजमेंट से लेकर के राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को, कोल इंडिया को, मुख्यालय CMD बिलासपुर को, यहाँ मैनेजमेंट को। उसके बाद भी अगर मैनेजमेंट नहीं माना, 2 राउंड मीटिंग किया, CMD मुख्यालय से भी आए, लेकिन ढंग से कोई बात नहीं हो पाई, जिसके कारण आज हम लोग, हमारी प्रस्तावित था कि 8 मार्च को कोल डिस्पैच को बंद करेंगे करके प्रस्तावित था, और हमको नौकरी देना पड़ेगा पूरे अप्रेंटिस को। आज तो आए, हमारी अल्टीमेटम में लिखा है 8 तारीख से, केवल को नहीं है, एक दिन के लिए। अगर आज जाने नहीं देंगे तो कल भी हम इसी वक्त इसी समय आएंगे, कितने दिन से हमको रोकेगा। और हम तो मांग कर रहे हैं, या तो नौकरी दे दो, या तो हमको सबको जेल भेज दो, वहीं रोजी रोटी खाएंगे सारे लड़के लड़कियां, ये हमारा कहना है। और दूसरा बात यह है, हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मेरी निवेदन है, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी से निवेदन है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा निवेदन है, श्रमिक संगठन से निवेदन है, समाज सेवी से निवेदन है, यह प्रबंधन से भी निवेदन है, अगर हाथ जोड़ना पड़े तो मैं मैनेजमेंट से हाथ जोड़ता हूँ, मेरे जितने अप्रेंटिस सबको नौकरी दे दे, नहीं तो ये नौकरी के लिए खड़े हैं ये लड़के लोग। केवल आज महिला दिवस के नाम से धैर्य पूर्वक बैठे हुए हैं, कारण विश्व महिला दिवस के कारण, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ लड़के कितना उतावला है, फिर भी हम संभाल के रखे हैं। अगर मैनेजमेंट तत्काल कार्रवाई अगर नहीं करती है, तो आने वाले समय में, इसी वक्त थोड़ी देर के बाद में, अगर और बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन हो सकता है, जिसमें मैनेजमेंट को तकलीफ होगा। हमारे सामने प्रशासन है, हम प्रशासन का सम्मान करते हैं,
प्रबंधन का क्या कहना बताइए आप? प्रबंधन का यही कहना है, कुछ प्रबंधन सोच रहे लेने की, लेकिन ऊपर से आदेश आएगा सीएमडी साहब से और कोल चेयरमैन से, तो हम कर सकते हैं अगर किसका कहना है। लेकिन हमको सुनने को मिला है कोल इंडिया चेयरमैन का कहना है कि जितने सीएमडी है कोलकाता घेराव किए थे पूरे अप्रेंटिस ने 11 जनवरी को, तो ये कहना है हमारे चेयरमैन महोदय का कि जितने भी सीएमडी हैं वो सीएमडी अपने अपने स्तर पर निपटाओ, यहाँ कोलकाता नहीं आना चाहिए, इनका साफ निर्देश है। मैं बीसीसीएल गया था, सीसीएल गया था, वहाँ के मैनेजमेंट ये भी बात मान गया था कि आउटसोर्सिंग रखने की बात हम रोक के रखें, लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट तो इतना डरपोक और इतना बेकार मैनेजमेंट है। लेकिन हम तो प्रस्ताव भी दिए थे, उसको खारिज कर दी इन्होंने, आज को नौकरी देना पड़ेगा। 1,00,000 ऐसी सेल में रिटायरमेंट हुए हैं, 1,00,000 के जगह में 6,000 अप्रेंटिस, कितना होता है 6%, विस्तार 10 गुना हुआ है, 10 गुना इसका प्लांट बढ़ा है, 10 गुना उत्पादन हुआ है, लेकिन ये मेरे अप्रेंटिस को नहीं ले रहे हैं। कोयला हमार, बिजली हमार, पानी हमार, छत्तीसगढ़ हमार, कोयला हमार, राखड़ हम खासन, मेरे अप्रेंटिस राखड़ खाई से, लेकिन नौकरी नहीं दे। मेरा इसमें साफ कहना ये जो है वो लिखवाया है अपने बचने के लिए लिखवाया है, वो अपने एग्रीमेंट किया ना, अप्रेंटिस लेके बचने के कि तत्काल लड़के लोग नौकरी ना मांगे। इनके पास 24 साल बाद क्यों जरूरत पड़ा टेक्निकल भर्ती को भर्ती करने के लिए, क्यों 24 साल जरूरत पड़ा 24 साल बाद और टेक्निकल को भर्ती करवाया और नौकरी देना पड़ेगा उनको, नहीं देगा बड़ा आंदोलन और करेगा।